जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपके एमए डिस्टेंस को लेकर काफी सारे क्वेश्चन निरंतर कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे थे, जैसे कि सर हम एमए डिस्टेंस से करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, यदि हम एमए डिस्टेंस से करते हैं तो क्या हम उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं, यदि हम एमए डिस्टेंस से करते हैं तो क्या हम गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भर सकते हैं, यदि हमें एमए डिस्टेंस से करना चाहिए तो किस यूनिवर्सिटी से करें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, आपके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं एमए डिस्टेंस के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करने वाला हूं कि आपको एमए डिस्टेंस से करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस किस यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं जब आप एमए करने के लिए जाते हैं, यदि आपके पास समय नहीं है, आप कहीं जॉब में हैं या आपको इतना समय नहीं है कि आप रेगुलर एमए कर सकें, तो आपका माइंड जाता है कि भाई हम डिस्टेंस से एमए कर लें। तो अब आपको एमए डिस्टेंस से यदि करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कि आपकी जो डिग्री है क्या वो वैलिड होगी, क्या आप उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं, क्या आप उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप डिस्टेंस से करते हैं तो उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यूजीसी ने नोटिस जारी किया था कि जो आपकी डिग्री है, चाहे वो रेगुलर में है, डिस्टेंस में है, चाहे वो आपका प्राइवेट में है, तो सभी की जो वैल्यू है वो बराबर है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। यानी कि जो आपकी डिग्री होगी पूरी तरीके से मान्य होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप डिस्टेंस से अपना एमए करते हैं तो आप जो है पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी जो गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका सबसे पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा, यानी कि एमए करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं डिस्टेंस से यदि आपने एमए किया है, और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस किस सब्जेक्ट से अपना एमबीए कर सकते हैं डिस्टेंस से। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट से आप डिस्टेंस से एमबीए कर सकते हैं। डिस्टेंस से आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं जो नॉन प्रैक्टिकल हैं, यानी कि जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है उन्हीं सब्जेक्ट से आप डिस्टेंस से एमए कर सकते हैं। जिनमें आपका प्रैक्टिकल है उन सब्जेक्ट से आप डिस्टेंस से एमए नहीं कर सकते। कुछ यूनिवर्सिटी है जिनमें प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट को डिस्टेंस से वो एमबीए में कराते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको कुछ क्लासेस लेनी होगी, कुछ प्रैक्टिकल के लिए आपको वहां पर जाना पड़ेगा। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जो आपके नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनसे आप डिस्टेंस से एमए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे आपका ज्योग्राफी है तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं बहुत कम यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपका डिस्टेंस से वो एमए कराती हैं, तो उसके लिए उनको क्या होता है, प्रैक्टिकल के लिए उनको यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है। अब बात करते हैं साथियों, आपको किस यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस से एमए करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपका डिस्टेंस से एमए करा रही हैं। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी का अप्रूवल देखना है, उस यूनिवर्सिटी के पास दो अप्रूवल होने अनिवार्य है यदि आप डिस्टेंस से एमए कर रहे हैं। सबसे पहला अप्रूवल आपका यूजीसी, वो अप्रूव्ड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी। दूसरा अप्रूवल उस यूनिवर्सिटी के पास डीईबी का अप्रूवल होना अनिवार्य है, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, उसका अप्रूवल होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपको यह भी चेक करना है कि उस यूनिवर्सिटी के पास उस सेशन का अप्रूवल है या फिर नहीं है। इससे आगे नेक्स्ट साथियों, आपको एक चीज और चेक करनी है, वो ये चेक करनी है कि उस यूनिवर्सिटी के पास उस सब्जेक्ट का अप्रूवल है या फिर नहीं है। ऐसा नहीं कि एमए का उनके पास अप्रूवल है तो वो सभी सब्जेक्ट से एमए करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एमए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, एमए हिंदी से होता है, हिस्ट्री से होता है, सोशोलॉजी से होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो उनको कुछ एक सब्जेक्ट मिले होंगे कि आप एमए सोशोलॉजी से करा सकते हैं, हिस्ट्री से करा सकते हैं, ज्योग्राफी से करा सकते हैं, तो आप किस किस सब्जेक्ट से अपना एमए करा सकते हैं, तो आपको वो भी चेक करना है कि यूनिवर्सिटी के पास किस सब्जेक्ट का अप्रूवल है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो साथियों, अभी भी यदि आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उसपर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यदि आपको लगा हो कि मैंने आपको कुछ अच्छा बताया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।